हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? इस वक्त नेहा और मैं आपके साथ मौजूद हैं, और जैसे ही हमने बुलेटिन फिनिश किया तो पहला जो हमें काम समझ में आया करना है वो ये कि साहित्य आज तक, जो कि साल का हमारा ऐसा इवेंट है जिसमें आम लोगों का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है, ये आपके लिए फ्री है। और इस इवेंट में साहित्य के शौकीन अपने पसंदीदा कलाकारों से, लेखकों से, देश भर में जो लोक कलाकार होते हैं उनको हम इस मंच में आमंत्रित करते हैं। उन सब से मिलने का मौका, उनके प्रोग्राम्स को अटेंड करने का मौका आपको मिलता है। और मुझे याद है नेहा, अभी चौथा एडिशन हमारा है, और पिछले जो तीन एडिशंस रहे हैं उसमें आप और मैं सुबह से लेकर रात तक वहाँ मौजूद रहते हैं, और ये अपने आप में कैसे एक्सपीरियंस होता है जिसकी चर्चाएँ हमेशा करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और साहित्य के प्रेमी हैं, अलग अलग लेखकों में आपकी रुचि है, तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पर स्टॉल्स हैं जहाँ पर आप अपने पसंदीदा लेखकों से, साहित्यकारों से मिल सकते हैं। और ये कैसा वन टू वन इंटरेक्शन होगा मीनाक्षी, जिसमें आप अपने किसी भी उनकी लिखी हुई कविता के बारे में या उनकी लिखी हुई किसी किताब के बारे में अपना जो भी सवाल हो उनसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ललन टॉप का एक वहाँ पर मंच होने वाला है, और साथ ही इस बार एक नया एडिशन भी है, वहाँ पर होगी आर्ट गैलरी, यानी कि अगर आप कला में रुचि रखते हैं, आपको आर्ट से प्रेम है, तो वहाँ पर तमाम अलग अलग जो पेंटर्स हैं उनकी पेंटिंग्स आप देख सकते हैं इस आर्ट गैलरी में। और ये एक नया एडिशन इस बार के साहित्य आज तक के मंच पर होने वाला है। और आप कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये आप आज तक की वेबसाइट पर और साथ ही आज तक चैनल पर लगातार देख ही रहे हैं, aajtak.in/साहित्य पर जाकर फ्री रजिस्ट्रेशन करिए। लेकिन सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, एक बड़ी पिकनिक की तरह आप इस साहित्य आज तक को देखिए, क्योंकि चौथा ये जो एडिशन है हमने हर बार देखा है कि आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते रहे, और अलग अलग स्टेज इसके लिए है ताकि अगर आप एक जगह पर आपको सीट नहीं भी मिलती है तो आप दूसरे स्टेज पर पहुंचिए, वहाँ भी कुछ ना कुछ रोचक और रोमांचक चल रहा होगा जो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और शाम का वक्त बेहद खास होता है, शाम तक ज़रूर रुकिएगा क्योंकि हर दिन अलग अलग कार्यक्रम है। डे वन की अगर 1 नवंबर की बात कर लें तो आपके लिए रूहानी सिस्टर्स का एक बेहद एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस होने वाला है। आपका फेवरेट कौन सा है? मैं इंतज़ार कर रही हूँ बर्फ, जो एक नाटक है सौरभ शुक्ला का, वो दूसरे दिन उसका मंचन होगा, डे टू यानी कि 2 नवंबर, उस दिन भी रुकिएगा। पूरे दिन का ये कार्यक्रम, ये उत्सव होता है और एक बड़े जश्न जैसे हम इसे मनाते हैं। वैसे मुझे ये लगता है कि जो इस बार साहित्य हो रहा है वो अब तक का सबसे बड़ा हो साहित्य का जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो रहेगा, क्योंकि एक तरह जिस बात का जिक्र नेहा ने किया कि आर्ट एग्जीबिशन होगी, दूसरी बात ये कि पहली बार हमने इंग्लिश लिटरेचर पर बातचीत करने के लिए भी अलग से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक हॉल तैयार किया है जिसमें वो लेखक जो अंग्रेजी में लिखते हैं, मैं रस्किन बॉन्ड से मिलना चाहती हूँ। ये देखिए शौकीन जो है हमारे अपने ही, क्योंकि मैंने बचपन से जब भी स्कूल में रस्किन बॉन्ड पढ़ते हैं, और एक बार मसूरी जब मैं गई थी तो वहाँ उनको दूर से देखा था, एक छोटी सी जगह पर वो रोजाना बैठते हैं, वहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है क्योंकि उनके जो फैंस हैं वो उनसे पर्सनलाइज ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं उनकी लिखी हुई किताब। इंटरेस्टिंग बताया, देखिए जो लेखक वहां पर आने वाले हैं आपको उनकी पर्सनलाइज्ड कॉपीज मिल सकती हैं। आपके पास ये मौका है कि जो भी आपके पसंदीदा लेखक है, जैसे आशुतोष राणा इस बार आ रहे हैं क्योंकि उनकी किताब आई है, तो उनसे साइंड कॉपी आप ले सकते हैं। इसके अलावा इरशाद कामिल आ रहे हैं, और साहित्य का जो आगाज हो रहा है वो कैलाश खेर के परफॉर्मेंस के साथ हो रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए जब आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम कैसा होगा। वैसे नया मेरा अपना जो एक्सपीरियंस आया है, ये जो नवंबर दिसंबर का टाइम होता है साल में, मुझे ये सबसे खूबसूरत समय लगता है, मौसम बेहद खुशनुमा है, जब आप दिल्ली की शाम का मजा ले सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा हो तो मुझे लगता है अगर शायद मैं एंकरिंग वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं होती तो मैं अपना एक बस्ता टांग कर आती जिसमें पानी खाना सब रख के लेके आती, और उसके बाद थोड़ी देर 1 घंटा इस स्टेज पे बिताया, 1 घंटा किसी और स्टेज पे बिताया, तो ये अपने आप में एक बहुत ही एंटरटेनिंग और एनरिचिंग प्लस जीने का एक जो कहते हैं ना मौका आपके लिए, जो आपको शायद इस तरह के प्रोग्राम कहीं और नहीं दिखाई देंगे लेकिन एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों से मिलने और का मौका। बिल्कुल, और आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मीनाक्षी की बहुत रुचि है साहित्य में, इनको अच्छी अच्छी कविताएं और साथ ही शेर व शायरी पढ़ने का बहुत शौक है, तो इनके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होता है क्योंकि ये अपने पसंदीदा कई सारे लेखकों और कवियों से मिल पाती हैं, हालांकि उन्हें होस्ट भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के मंच पर आप इनफॉर्मल बातचीत भी कर पाते हैं। और क्योंकि ये एक इतना बड़ा इवेंट है इसमें तमाम साहित्यकार जुड़ेंगे, और ख़ास तौर पर साहित्य वार्षिकी जिसका हमें साल भर इंतज़ार रहता है मीनाक्षी, वो इस खास मौके पर रिलीज़ की जाती है। साहित्य वार्षिकी को देखने और पढ़ने के लिए आपको साहित्य आज तक से जुड़ना होगा, वहाँ पर पहुँचना होगा। और ख़ास तौर पर अगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे और याद आई है, इस बार हमने एक और नया कॉर्नर लॉन्च किया है जिसका नाम होगा माइक के लाल,
माइक MIKE यानी वो लोग जिन्हें माइक पर बोलने का शौक है, कविताएं लिखते हैं या अपना कुछ भी उनका थॉट है, तो वो खुला मंच आप लोगों के लिए जो आकर अपनी कविताएं पढ़ सकते हैं। और यू नेवर नो, ऑडियंस में हो सकता है कि आज तक कैंकर्स मौजूद हों या कोई और जो लोग वहाँ पर गेस्ट आए हैं वो भी वहाँ पर आपको बैठे हुए मिले। तो अपने आप में ये एक ऐसा मौका है जब आपको एक बेहतरीन ऑडियंस श्रोता सुनने के लिए भी मिले। और ये इसलिए हमने रखा है क्योंकि हर बार हमने महसूस किया कि ऑडियंस में बहुत सारा टैलेंट होता है, और ये लोग जब इनसे कहा जाता है कि आप हमारे गेस्ट से सवाल पूछे तो अपनी किसी कविता के साथ हाजिर हो जाते हैं। तो इन्हीं लोगों को मंच देने के लिए, इन्हीं लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इस तरह के कॉर्नर का हमने आयोजन किया है। लेकिन इसके बाद भी हम आपको बता दें कि दिन भर तो ये सब साहित्य और लेखक और उनकी बातें और उनके साथ जो म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन जो सूफी प्रेमी हैं उनके लिए भी कमाल के ज़बरदस्त गायकों का इस बार हमने इंतज़ाम रखा है। हंसराज हंस मौजूद होंगे। अगर आप उनके फ़ैन हैं तो आप साहित्य आज तक के साथ जुड़िए। जावेद अली, जो कि इंडियन आइडल की खोज है, बेहद एक यंग टैलेंट, एक बडिंग टैलेंट, जब वो गाते हैं तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जावेद अली की जो आवाज़ में जादू है, जो उनकी आवाज़ में मॉडरेशन है, जो फ्लक्चुएशन है, उसको महसूस करने के लिए आप आइएगा। और क्योंकि जब आप रजिस्टर करेंगे तो आप देख पाएंगे हमारी वेबसाइट पर कि किस तरह का कार्यक्रम है, कौन से समय पर कौन सा सिंगर किस मंच पर परफॉर्म कर रहा है। अपनी रुचि के हिसाब से आप इन अलग अलग चार मंचों तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पर अपने साहित्यकारों, लेखकों और गायकों के साथ जुड़ सकते हैं। हंसते हंसते आपका दम निकालने के लिए ही डे वन जो हमारी गेस्ट लिस्ट है उसमें अशोक चक्रधर हैं, सुरेंद्र शर्मा हैं, अरुण जैमिनी हैं, सुनील जोगी हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे नाम इस वक्त साहित्य के इस महामंच में जुटने वाले हैं जिनको अमूमन आप टेलीविजन पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास मौका है उनसे वन टू वन मिलने का, उन्हें सुनने का और उनके विचारों को आगे और साझा करने का। इसके अलावा हर दिन का जो एंड होगा, जिस बात का जिक्र नेहा कर रही थी, किसी ना किसी परफॉर्मेंस से है, चाहे वो प्ले हो या फिर म्यूजिकल कोई प्रोग्राम हो। तो ये मुझे लगता है जब दिल्ली में गुलाबी ठंड का ये जो समय है उसमें आपके पास हाथ में कुल्हड़ वाली चाय हो और उस कुल्हड़ वाली चाय के साथ में अगर आपके एक बात भूल रही है, वहाँ पर जो सेल्फी का दौर चलता है, यस, तो आप जब भी अपने किसी सेल्फी कॉर्नर्स भी हैं, सेल्फी कॉर्नर्स बनाए हैं क्योंकि हमने आपकी इस पसंद का भी ध्यान रखा है। आज के दौर में अगर सेल्फी ना हो और आपने साहित्य आज तक के बारे में पोस्ट ना किया हो अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आपके इस पर्टिकुलर जो आपका शौक है सेल्फी लेने का, इस क्रेज का, इसका भी हमने ध्यान रखा है। सेल्फी कॉर्नर पर पहुँचेगा, वहाँ पर सेल्फी लीजिएगा, या फिर अगर रूबरू आप किसी भी अपने फेवरेट स्टार से हो जाते हैं तो आपके पास वहाँ पर मौका है उनके साथ सेल्फी खिंचवाने का। लेकिन इसके साथ ही मालिनी अवस्थी भी वहाँ पर मौजूद होंगी, और वो एक ऐसी गायिका हैं जो समा बांध देती हैं। जितने वक्त वो मीनाक्षी गाती हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर जगह, उस पर्टिकुलर प्रांत, उस पर्टिकुलर राज की रूह वहाँ पर पहुँच गई है। मुझे तो याद है लास्ट ईयर जब मालिनी अवस्थी परफॉर्म कर रही थी, मेन स्टेज था, तो उनके परफॉर्मेंस का जो समय था वो लगभग ख़त्म हो गया था। उसके बाद दूसरे प्रोग्राम के लिए हमें स्टेज रेडी करना था। मालिनी अवस्थी ने जब गाना शुरू किया स्टेज पर, और उन्होंने सारे वो गाने गाए जो फिल्मों में उनके फेमस हुए हैं सॉन्ग, वो रुकती उससे पहले ऑडियंस से दूसरी डिमांड आ जाती। फाइनली उन्होंने कहा कि अच्छा आज तक की टीम आप मुझे बताइए आप मुझे कितना समय देंगे, अगर आप समय देते हैं तो मैं और परफॉर्म करती हूँ वरना मैं जाती हूँ। वो कभी मना नहीं करती तो हाँ, मतलब वो टाइम बढ़ते 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 इस जो कहते हैं ना कि एक ऑडियंस की और गेस्ट की जुगलबंदी ऐसी हुई कि मज़ा आ गया। मतलब वो अगर आप YouTube वगैरह पे, जहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे वो शेयर किया गया होगा वीडियो, अगर आप वो देखेंगे तो आपको उस समय की एनर्जी जो है वो समझ में आएगी। शुभा मुद्गल भी आ रही हैं। बिल्कुल, शुभा मुद्गल के कई सारे दीवाने हैं, कई सारे फैंस हैं, और वो आज से नहीं गा रही हैं, गायकी के क्षेत्र में उनको सालों साल हो चुके हैं, और शुभा मुद्गल जैसी आवाज़ दूसरी मिल पाना मुश्किल है। कई बार उन्हें ये कहा गया कि उनकी आवाज़ में वो जादू है जो, मतलब इस तरह की जो हम कहते हैं पार्श्व गायिका के रूप में तो हमने उन्हें कम देखा है, लेकिन परफॉर्मेंसेस में उनका कोई सानी नहीं है। एंड आप ये देखिए कि जो ये पूरी मेहमानों की लिस्ट तैयार हुई है खास तौर पर इस इवेंट के लिए, हमारी जो टीम्स हैं वो इतनी मेहनत करती हैं पिछले 6 महीने से, तो हम लोग देख रहे हैं कि किस लेवल पर वो गेस्ट लिस्ट तैयार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और कोशिश यही रहती है कि 3 दिन का ये आयोजन ऐसा हो जिसे आप पूरे साल याद रखें और फिर अगले साल और बड़ी तादाद में शामिल हो। तो आप लोग अगर हमारा ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो ज़रूर आइएगा साहित्य आज तक में,
अपने दोस्तों को लाइएगा, परिवार के सदस्यों को लाइएगा, क्योंकि ये इवेंट एक ऐसा इवेंट है विच इज़ लाइक फॉर ऑल, ये यादगार रहेगा आपके लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी कहना चाहेंगे कि खाने पीने का भी भरपूर इंतजाम है, आपको भूखे पेट भजन नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर कई अलग अलग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन स्टॉल्स हैं जो आपकी पसंद का ध्यान रखेंगे, तो वहाँ पर पहुँचिए, पूरे दिन परफॉर्मेंसेस को इन्जॉय कीजिए, खाइए पीजिए, आर्ट जो गैलरी हमने आपको बनाया आपके लिए बनाई है वो देखिए, और साथ ही जो शाम होते होते जब पूरा जगह लिट अप हो जाएगी, पूरी जगह रोशनी से जगमगा जाएगी, तो आपके लिए एक से एक बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंसेस होंगे जो लगभग एक सवा घंटा चलेंगे, उनमें अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होइए। तो पहुंच जाइए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, क्योंकि 1, 2, 3 नवंबर को हम दोनों वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और कर रहे हैं आपका इंतज़ार। थैंक यू सो मच।